हाय गाइस, तो आ चुके हैं यार एक और PUBG मोबाइल की वीडियो के साथ। और आज की वाली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप कैसे जो है थ्री फिंगर कंट्रोल्स यूज कर सकते हो हमारे PUBG मोबाइल में। तो जो भी नया चैनल पे, सबसे पहले सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो यार आज की वाली वीडियो शुरू करते हैं गाइस। तो यार अब जो है टाइम आ चुका है गाइस हमारे टू फिंगर से शिफ्ट होने का, थ्री फिंगर पे आने का और रिएक्शन टाइम बढ़ाने का। तो यार ये वाली वीडियो पूरी देखना, तभी आपको समझ में आएगा कैसे जो है आपको करना है इजीली क्लॉ वगैरह। और पूरा आपको जो है कंट्रोल्स में बताने वाला हूँ क्या क्या कंट्रोल्स मैंने कर रखे हैं और वो जो है आपको क्या करना चाहिए। तो यार ये रहा मेरा थ्री फिंगर कंट्रोल सेटअप, और इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस थोड़ा सा नॉर्मल मैंने कर रखा है। और तुम देख सकते हो यार रिएक्शन टाइम की अगर तुम बात करोगे थ्री फिंगर में तो कितना फास्ट हो जाता है स्नाइपिंग के टाइम पे भी और एआर के टाइम पे भी, तुमको अभी मैं दिखाने वाला हूँ। तो यार अगर तुम भी चाहते हो कि भाई मेरा रिएक्शन भी इतना फास्ट हो जाए स्नाइपिंग करने में एंड एआर वगैरह मतलब चलाने में और पीक फायर मारने में, तो भाई ये वाली वीडियो पूरी देखना, क्योंकि तुमको बिल्कुल यार मतलब मैं कह रहा हूँ यार खुद मेरे को खुद को बहुत ईजी लगा करने में। और तुम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई ये हम सीखेंगे तो हमको एक महीना लग जाएगा। नहीं यार, तुम भाई 7 दिन के अंदर मास्टर कर सकते हो थ्री फिंगर को, बहुत इजी होता है। और ये देखो यार एआर का कंट्रोल जो है मेरा, अगर मान लो तुम्हारे सामने कोई बंदा है ठीक है, तो तुम उसको डायरेक्ट पीक फायर करके देखो यार यहाँ पर मार सकते हो, कितना फास्ट रिएक्शन है। तुम्हारा फायर बटन ऊपर है और तुम जल्दी से स्कोप खोल सकते हो और जल्दी से लेफ्ट बटन से फायर कर सकते हो। तो समझ ही सकते हो यार मतलब कितना ज़्यादा जो है तुम फास्ट हो गए हो। तो देखो यार ये देखो भाई, कोई सामने आता है ना भाई मुंडी उड़ा दूँ भाई कतई। तो मैं चलो दिखा देता हूँ आपको मेरे कंट्रोल्स एक बार। तो ये रहे यार मेरे कंट्रोल्स, और बिल्कुल यार डिफ़ॉल्ट कंट्रोल जैसे जो है मेरे कंट्रोल्स हैं। बस करा क्या है मैंने, एक फायर बटन उठा करके ऊपर टॉप में लगा दिया, जिससे मैं मतलब जो लेफ़्ट इंडेक्स होता है मेरा उससे मैं फायर करता हूँ। अब यार तुमको बता दूँ मैं किसी को, अब तुम ऐसा बहुत सारे ऐसा पूछेंगे भाई कौन सी उंगली से फायर करता है, तो यार हमारा जो थंब है उसी के पास में जो उंगली होती है ना उसी से करता हूँ यार लेफ्ट वाली। तो बस करना क्या रहता है मेरे को, स्कोप इन एंड फायर। तो रिएक्शन जो है थोड़ा फास्ट हो जाता है, और एज़ कम्पेयर टू टू फिंगर्स में थोड़ा स्लो होता है यार हमारा अगर कंपेयर करो तो। और बहुत सारे बंदे यार टू फिंगर्स पे बढ़िया रिएक्शन करते हैं, बट जिसका भी नहीं हो पा रहा हो यार टू फिंगर्स पे, वो एक बार थ्री फिंगर ट्राई करके देखना, होपफुली तुम्हारा गेम प्ले जो है बढ़िया होए। और उसी के साथ में यार मैं जायरोस्कोप यूज़ करता हूँ जिससे मेरा रिकॉइल कंट्रोल होए। तो मेरे को करना क्या रहता है, सिर्फ स्कोप खोल के खड़ा रहना रहता है और मोबाइल को टेढ़ा करना पड़ता है। तो देखो मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, जैसे कि ये पहले मेरे मिक्स्ड पे थे दोनों, स्कोप मोड और लीन मोड, अब मैंने इसको कर दिया टैप टैप पे ठीक है। और उसी के साथ में मेरा जो स्नाइपर था वो मैंने कर रखा था रिलीज पे, तो उसको कर दिया मैंने सिर्फ टैप पे, तो इससे भी तुम्हारा रिएक्शन जो है थोड़ा फास्ट होता है, तो ये भी मैंने कर दिया। अब तुमको यार मैं एक चीज़ और बता दूँ, एक और चीज़ मैंने करी थी जो कि यार मेरा, अगर तुम ऊपर देखो तो यार हमारा जो ये पीक एंड स्कोप का बटन होता है, जब तुम अगर इसको अनेबल करके रखते हो तो तुम यार डायरेक्ट जो है पीक करते हो तो तुम्हारा स्कोप के साथ ये खुल जाता है ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया डिसेबल यार यहाँ पे। अब ये मैंने क्यों करा वो तुमको दिखा देता हूँ। अगर डिसेबल करोगे और तुम पीक करोगे तो तुम्हारा सिर्फ नॉर्मल पीक होगा, और जिसके जैसे कि मतलब फ़ायदा इससे ये होगा, तुम्हारे सामने कोई बंदा आ गया तो तुम यार उसको स्कोप खोल के तो मारना पसंद नहीं करोगे, मतलब कुछ ज़्यादा ही पास का बंदा है तो तुम उसको डायरेक्ट हल्का सा पीक करा मार दो। और अगर तुमको स्कोप करके मारना है तो पीक बटन दबाओ देन उसके बाद स्कोप बटन दबाओ, ये तुम्हारा रिएक्शन जो है फास्ट हो जाएगा अगर तुम ये थ्री फिंगर ट्राई करोगे। और ऐसा ही जो आपका फ़ायदेमंद होगा स्नाइपिंग के अंदर भी। अब होता क्या यार कि हम अगर पीक और स्कोप वाला अनेबल रखते हैं तो देखो रिएक्शन टाइम जो है थोड़ा स्लो हो जाता है, बट अगर यहाँ पे हम बात करें डिसेबल करके तो मैं करता क्या हूँ, सिंपली यार हल्का सा देखो पहले पीछे जाता हूँ पीक लेता हूँ और उसके बाद सीधा स्कोप करके शॉट, तो आपको यार ऐसे जो बहुत इजी हो जाता है और आप क्विक स्कोप मार सकते हो किसी को भी। तो बस यही था यार हमारा हल्का सा थ्री फिंगर का थोड़ा सा गाइड, और बाकी यार जो भी इंटरेस्टेड है करने में वो कर सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि यार ये सेम सेटिंग्स तुम यार रखो, तुमको जो अच्छा लगता है लगो करो, बट यही है कि यार अब टाइम आ चुका है कि तुम शिफ्ट हो जाओ थ्री फिंगर पे, क्योंकि यार टू फिंगर वाले ज़माने गए थोड़े से। और जो टू फिंगर पे बढ़िया खेलता है भाई वो कंटिन्यू रखो यार, मैं मना नहीं कर रहा। तो ये था आज के वीडियो में गाइज, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, पीस आउट।